जय हिंद दोस्तों, जिज्ञासा अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे इतिहास की प्रैक्टिस सीरीज के क्वेश्चन। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर एक, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कहता है बोधगया, ऑप्शन कहता है लुम्बिनी, सी कहता है पाटलिपुत्र, डी कहता है वैशाली। सभी बच्चे बताने के इसका प्रयास करें कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। कौन सा सही होगा? बी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दो आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर दो कहता है बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। ऑप्शन ए कहता है विजेता, ऑप्शन बी कहता है प्रमोचक, ऑप्शन ए कहता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, डी कहता है भ्रमणकारी। आप लोग सभी लोग बच्चे बताने का प्रयास करिए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। जल्द से जल्द बताने का प्रयास करिए। अमन, कृष्णा, लकी, सब लोग बताने का प्रयास करिए। मस्ती ज्यादा मत कीजिए भैया, जलेबी तो खिला दिए क्या, बार बार एहसान कर दिए क्या जलेबी खिलाकर? ऐसे लग रहा है कि पूरी दुकानियां दिला दी है हमारे सर जी को, ऐसे ही बात कर रहे हैं आप। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा सी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति गौतम बुद्ध थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है आपका? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए कहता है लुम्बिनी, बी कहता है कुशीनगर, सी कहता है श्रीवास्तव, डी कहता है बोधगया। तो बताने का आप लोग प्रयास करिए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। जल्द से जल्द सभी बच्चे बताने का प्रयास करिए, देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है जिसका आंसर आपका सही हो जाएगा बी, कुशीनगर। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीन हो गया। क्वेश्चन नंबर चार आपका क्या कहता है? गौतम बुद्ध के संबंध में सही है शिवा, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन ए कहता है, ऑप्शन बी कहता है उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ऑप्शन सी कहता है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, ऑप्शन डी कहता है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी। तो सभी बच्चे बताने का प्रयास करिए इसका आंसर कौन सा सही होगा। चलिए देखते हैं कौन सा बच्चा इसका आंसर बताता है। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर प्रकाश बताते हैं कि आयुष बताते हैं कि अमन बताते हैं, देखते हैं। चलिए इसका आंसर कृष्ण भैया ने दे दिया कि सर इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। बहुत लाजवाब आंसर दिए हैं कृष्णा भैया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पांच क्या कहता है? गौतम बुद्ध कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए कहता है सारनाथ, बी कहता है बोधगया, सी कहता है प्रयाग, डी कहता है पाटलिपुत्र। बताने का आप लोग प्रयास करिए इसका आंसर कौन सा सही होगा। पांचवें नंबर क्वेश्चन का देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। इसका आंसर आपका सही हो जाएगा बी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर छह क्या कहता है? अमन भैया बड़ी हंसी आ रही है, देख रहे हैं ऑनलाइन में भी आप हंस रहे हैं, क्या बात है, बहुत ज्यादा हंसी आ रही है आपको, कम हंसी है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश प्रवचन कहाँ दिया था? ऑप्शन ए कहता है बोधगया, ऑप्शन सी कहता है साथी, सी कहता है सारनाथ, डी कहता है कुशीनगर। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए क्वेश्चन नंबर छह का आंसर कौन सा सही होगा। देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले बताता है इसका आंसर कौन सा सही होगा। देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ जो है इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सात, चातक पवित्र ग्रंथ है। ए वैष्णव का, बी जननी का, सी उद्धव का, सी तो डी सौं का। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका आंसर कौन सा सही होगा। देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही होगा। जल्द से जल्द बताने का आप लोग प्रयास करिएगा कि इसका आंसर कौन सा सही है। देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर सात का आंसर कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा सही होगा? सी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आठ आपका क्या कहता है? है बड़ी आसानी से आप लोग कहते हैं है। चलिए देखते हैं आठ। क्वेश्चन नंबर
बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कौन सी सही भाषा का प्रयोग की गई थी? ऑप्शन ए कहता है संस्कृत, ऑप्शन बी कहता है प्राकृतिक, ऑप्शन सी कहता है पाली, ऑप्शन डी कहता है हिंदी। आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सही सी। कौन सा सही होगा? सी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? महावीर किस राज घराने में पैदा हुए थे? ये कहता है स्वर्ग, भी कहता है छत्री, सी कहता है लक्ष्मी, डी कहता है सत्यमोहन। तो बताने का प्रयास करिए इसका आंसर कौन सा सही होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका आंसर बताता है। बताने का आप लोग प्रयास करिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है भैया? हम लोग देखते हैं शादी किसकी कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है? ये कहता है जैन, बी कहता है बुद्ध, सी कहता है मुस्लिम, डी कहता है ईसाई। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा बुद्ध, आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11, बुद्ध के उपदेश का मुख्य संबंध था विचार और चरित्र की शुद्धता। ऑप्शन बी कहता है भक्तिवाद, ऑप्शन सी कहता है कर्म कांडों के व्यवहार, ऑप्शन डी कहता है एक ही भगवान में विश्वास। तो बताने का प्रयास करिए किसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है? 12 कहता है कपिल वस्तु संबंधित है, ये महात्मा गांधी से, बी महावीर स्वामी से, सी भगवान कृष्ण से, डी कहता है भगवान बुद्ध से। तो आप लोग सभी लोग बताने का प्रयास करिए, कृष्णा, लकी, यमन, रोहित, ये सब बताने का प्रयास करिए। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर आपका सही हो जाएगा भगवान बुद्ध से, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है इसको हम लोग देखते हैं। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? ए अजातशत्रु, डी बिंबिसार, सी नंदीवर्धन, डी उदय। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए किसका आंसर कौन सा सही होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका आंसर बताता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका आंसर सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, चतुर्थ बुद्ध सम्मेलन किसके शासन में हुआ था? ए कहता है अशोक, बी कहता है चंद्रगुप्त, सी कहता है कनिष्क, डी कहता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका आंसर कौन सा सही होगा। चलिए बताते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका आंसर बताता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कौन बताएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कनिष्क, इसका जो है राइट आंसर है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंतुष्टि संबंधित टीले का टीले को क्या कहते हैं? टीले को क्या कहते हैं? ए कहता है तत्व, बी कहता है तोरण, सी कहता है बिहार, डी कहता है दुखम। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए सही। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है? क्या लाजवाब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम 2022 के में पूछा गया प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए कहता है 10 मंडल, बी कहता है 8 मंडल, सी कहता है 7 मंडल, डी कहता है 6 मंडल। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। देखते हैं कौन सा बच्चा इसका आंसर सही बताता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन ए जो है सही है, इसका आंसर 10 मंडल ऋग्वेद में होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। देवता सोम का वर्णन किस मंडल में है? इसका आंसर बताने का प्रयास करिए आप लोग।
ऑप्शन ए कहता है 10, ऑप्शन बी कहता है 15, ऑप्शन सी कहता है 17, ऑप्शन डी कहता है 9। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका वर्णन किस मंडल में है। तो भैया आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 10वें मंडल में है। 9वें मंडल में आपका जो है पुरुष सुक्ति का वर्णन किया गया है 9वें मंडल में। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आज का क्या कहता है। बाबर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए कहता है 1483 ईस्वी में, ऑप्शन बी कहता है 1582 में, ऑप्शन सी कहता है 1935 में, ऑप्शन डी कहता है 1913 में। आप लोग बताने का प्रयास करिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बात अगली क्लास में हम करते हैं।